स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फैन क्लब के सदस्यों ने पंचायत बोटा विश्राम गृह में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों अश्विनी कुमार, संजीव कुमार, अरविंद बनियाल और धर्मेश राणा ने बताया कि हमने इस बारे में एक सोच रखी कि इसमें पूरे विश्व को कोरोना की महामारी ने जकड़ रखा है और इस महामारी से आजादी दिलाने में हमारे इन कोरोना योद्धाओं ने दिन रात एक कर दिया है। ये हमें हमारी आजादी की लड़ाई जो हमने 1947 में अंग्रेजों से लड़ी थी उसी का स्मरण करवा रही है। ये कोरोना योद्धा भी उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की तरह दिन रात इस COVID-19 से लड़ रहे हैं और हमें इस महामारी से आजादी दिलाने में अपनी जान हथेली पर लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने अपने हाथों से कोरोना योद्धाओं, चिकित्सकों, नर्सेस, लैब सहायक और वार्ड बॉय को प्रशासित पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना के साथ जंग स्वतंत्रता की जंग से कम नहीं है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस जंग में अपनी जान तक न्योछावर कर दी थी, उसी तरह आज हमारे ये स्वस्थ सैनिक पूरे भारतवर्ष में इस महामारी से लड़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युद्ध में अभी तक 235 से ज्यादा चिकित्सकों और 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों, जिनमें स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की आहुति दे दी है। उनके इस बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने क्लब के सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। उन्होंने ये सोच रखी और हमारे इन स्वास्थ्य सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस पर इनको सम्मानित करके इनकी हौसला अफजाई करी। उन्होंने प्रदेश की जनता को सामाजिक दूरी, लगातार मास्क लगाकर इस जंग में अपना सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर इंदु पठानिया, डॉक्टर सुप्रिया, प्रयोगशाला सहायक राज महाजन और अन्य उपस्थित रहे। आज हमने ये अपने कोरोना वॉरियर्स को इस दिन सम्मानित करा है। इसके पीछे हमारी सोच थी कि एक लड़ाई हमारे जो पूर्वजों ने 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़के इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, वैसे ही एक लड़ाई हमारे आज के ये स्वास्थ्य सैनिक जो हैं इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। तो हम अभी तो हमें भी मालूम है कि ये कोरोना की जो लड़ाई है लंबी चलेगी। हमारे स्वास्थ्य सैनिकों को भी मालूम है, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, लैब टेक्नीशियंस को, सबको मालूम है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन आज 15 अगस्त का शुभ दिन था, स्वतंत्रता दिवस था, एक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जो आज के स्वास्थ्य सैनिक हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेके, उनको सम्मानित करके हम उनका मनोबल बढ़ा सकें ताकि वो इस लड़ाई को और दुगने जज्बे के साथ जो है लड़ें और इस कोरोना जैसी महामारी को हराएं।